हेलो एवरी वन वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ड बाई अभिमन यू आई ए एस माई नेम इज़ बारका मिर्जा एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से ई एस आई फॉर नबार्ड ग्रेड ए फेज़ टू ओके सो टूडे विल बी डीलिंग विद इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू बट आज हम बात करेंगे फेज़ टू के बारे में एज वी नो कि हमारा जो फेज़ वन एग्जाम है वो ऑलरेडी हो चुका है है कि नहीं एंड आई होप आप जितने सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा सबके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे ओके, okay? सो so, आज हम बात करेंगे अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ नबार्ड ग्रेड ए फेस टू ठीक है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे कितना टाइम अलॉट किया गया है आप लोगों को तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में फिफ्टीन मार्क्स के टेन मार्क्स के तो उस क्वेश्चन को आपने कैसे लिखना है आपका राइटिंग अप्रोच क्या होगा आज ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ओके okay? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा and if you want any details regarding any products of our organization for nabard grade a description box pe visit kijiye wahan pe aapko sari informations available mil jayengi okay so chaliye start karte hain hamara session basically the writing approach the answer writing approach for your mains exam बहुत जल्द notification, exam dates आपकी आ जाएंगी कि आपकी exam कब होने वाली है तो आपको क्या करना है आपने जो preparation start किया था आपको वो बरकरार ही रखना है और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन ओके okay. पहले हम बात करेंगे हमारा पेपर पैटर्न फॉर फेज टू नबार्ड ग्रेड ए के लिए फेज वन ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे है कि नहीं अब हमारा क्या होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और वी कैन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस तीन लेवल पे डिवाइड होगा तीन सब्जेक्ट्स पे वी नो दैट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपके पेपर्स कौन कौन से होंगे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव देन सेकेंड वी कैन से ई एस आई दैट इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड थर्ड वन वी हैव ए आर डी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है कि नहीं तो हम आज देखेंगे हमारा पेपर कौन कौन सा पेपर है जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे देन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे कितना टोटल मार्क्स आपको दिया गया है पर क्वेश्चन एंड आपको कितना टाइम अलॉट किया गया है कितना टाइम दिया गया है एज वी ऑल नो कि हमारा इस एग्जाम में जो सब्जेक्टिव जो एग्जाम है हमारा जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है फेस टू हमने ये पेपर में पेपर में या विद द हेल्प ऑफ पेन हम ये एग्जाम नहीं दे रहे हैं विद हेल्प ऑफ की keyboard हमें ये एग्जाम देना है तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है कि किस हिसाब से हमें करना है अटेम्प्ट uh, करना है क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से हमें आंसर लिखने हैं ओके okay, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम पेपर्स कितने सारे पेपर्स होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया तीन पेपर्स होंगे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ई एस आई एंड ए आर डी अगर हम पेपर वन की बात करें तो सब्जेक्टिव होगा दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे थ्री क्वेश्चंस दिए जाएंगे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चन होंगे तीन क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स में अलॉट okay? किया गया है is, आपको हंड्रेड मार्क्स के तीन क्वेश्चन रहेंगे कितना टाइम आपको दिया जाएगा नाइनटी मार्क्स नाइनटी मिनट्स सॉरी ठीक है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपको तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे हंड्रेड मार्क्स के रहेंगे ओके एंड कितना टाइम अलॉट किया गया है दैट इज नाइन्टी मिनट्स आपको दिए जाएंगे टू कंप्लीट योर पेपर ओके एंड अगर हम पेपर टू की बात करें पेपर टू इन्वॉल्व्स 30 क्वेश्चन दैट इज ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पेपर में ईएसआई एआरडी में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल दोनों रहेंगे ओके okay? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या रहेंगे एआरडी के कुछ रहेंगे एंड सेकेंड वी कैन से ईएसआई के कुछ क्वेश्चंस आपको रहेंगे पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे 30 क्वेश्चंस रहेंगे दोनों को मिलाकर ओके, थर्टी क्वेश्चन अब फिफ्टीन ए आर डी का हो सकता है कर रहे हैं अगर क्वेश्चन है एंड ई एस आई के थर्टी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें मार्क्स टोटल आपको कितना दिया गया है पचास मार्क्स पचास मार्क्स अगर हम देखें तो किसी क्वेश्चन का दो मार्क्स होगा किसी क्वेश्चन का एक मार्क्स दिया गया होगा तो इस टाइप से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ठीक है एंड टोटल टाइम आपको कितना दिया गया है थर्टी मिनट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने तीस क्वेश्चन रहेंगे मार्क्स उसमें पचास दिए गए हैं आपको एंड टाइम अलॉट किया गया है थर्टी मिनट्स ओके एंड देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज मैं आपको बताऊंगी दैट इज पेपर टू के बारे में पेपर टू सब्जेक्टिव क्वेश्चन ए आर डी एंड ई एस आई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में जानकारी लेना है आप लोगों ने ठीक है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं दोनों क्वेश्चन के ऑलरेडी सिक्स क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे टोटल सिक्स क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे दो पंद्रह मार्क्स के दो दस मार्क्स के सिक्स सिक्स आउट ऑफ सिक्स आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं फोर क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं छह क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ए आर डी एन एस आई का उसमें से आपको चार क्वेश्चन अटेम्प्ट uh, करने हैं ठीक है दो पंद्रह मार्क्स के करने के करने हैं अटेम्प्ट एंड दो दस मार्क्स के करने के तो फिफ्टीन इंटू टू थर्टी हो जाएगा एंड दस के दो करेंगे तो बीस हो जाएगा तो टोटल मार्क्स फिफ्टी दिए हुए हैं टोटल मार्क्स दोनों पेपर को मिला के कितना मिल जाएगा आपको फिफ्टी मार्क्स टोटल टाइम कितना अलॉट किया गया है नाइनटी मिनट्स आपको नाइनटी मिनट्स दिए जाएंगे टू तो कंप्लीट योर पेपर तो आज हम आ, अप्रोच क्या होगा आपके आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या है आपने किस हिसाब से आंसर लिखना है टोटल 90 मिनट्स में आपने कंप्लीट करना है विद द हेल्प की कीबोर्ड ओके उस हिसाब से आज हम डिस्कस करेंगे बताऊंगी कि आपने आंसर किस हिसाब से लिखना है ओके okay? ये क्या हो गया हमारा पेपर पैटर्न फॉर फेज टू इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एंड एआरडी ओके okay? ये अगर हम बोले कि फिफ्टीन मार्क्स के तो क्वेश्चन है तो हो सकता है पेपर में आपको दे दिया जाएगा कि आपको मार्क्स का क्वेश्चन है बट आपको कितने वर्ड्स में, कि में ही लिखना है आपको और अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन है तो टेन मार्क्स में आपको लिमिट कितना दे दिया जाएगा वर्ड्स का हो सकता है हंड्रेड मार्क्स हंड्रेड वर्ड्स के तो 15 मार्क्स में 150 फिफ्टी वर्ड्स आपने लिखना है आप इंक्रीज कर सकते हो 10 ऊपर 10 प्लस कर सकते हो वर्ड्स या 10 डिक्रीज कर सकते हो 10 माइनस कर सकते हो वर्ड्स बट उससे ज्यादा आपने लिखना नहीं है आपने बस फैक्ट्स फिगर्स स्टेप वाइज पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है ओके okay? तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूं क्वेश्चन में हम देखेंगे कि, कि किस हिसाब से क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है किस किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है उस हिसाब से हमें आंसर्स किस टाइप में लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन 15 मार्क्स का अगर आप क्वेश्चन अगर कर रहे हो या 10 मार्क्स का कर रहे हो तो 15 मार्क्स में आपको बोल दिया जाएगा कि वर्ड्स लिमिटेशन कितना है 150 फिफ्टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए बट आप ज्यादा कर सकते हो 10 ऊपर या 10 नीचे आपको लेंदी आंसर्स अवॉइड करना है लिखना आंसर्स डू नॉट राइट लेंदी बट ऐसा नहीं लिखना है, According to examiner, examiner के से आपने लिखना है कि पेपर हमारा चेक करेगा उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारा आंसर्स का ओके okay? तो लिमिटेशंस आपको दे दिया गया है टेन मार्क्स का अगर है तो हंड्रेड वर्ड्स में आपने खत्म करना है ज्यादा हो जाएगा तो प्लस टेन इंक्रीज करना या फिर माइनस कम हो जाए लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है ओके okay? अब हम क्वेश्चन देखेंगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सेंट्रल बैंक अक्रॉस वर्ल्ड हमें पहले क्या करना है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है मैं एम पहले हम ऑब्जेक्टिव करते थे एम जब हम करते थे मैं आपको उस टाइम भी बोलती थी कि जो हमारा जो मेन चीज है जो हम क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमें स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है हमें क्या लिखना है किस हिसाब से लिखना है ओके okay, तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस वर्ल्ड हैव इंक्रीज्ड देयर अटेंशन टू डिजिटल करेंसीज ओके आपने क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेंट्रल बैंक पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हर कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि हमारे इंडिया में है तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो दे दे हैव इंक्रीज देयर अटेंशन टू डिजिटल डिजिटल करेंसी करेंसी आपको यहां दे दिया गया है है ठीक तो हम ये सोचेंगे कि अच्छा डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा गया है तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वॉट इज डिजिटल करेंसी डिजिटल करेंसी क्या है है कि नहीं उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल करेंसी एक्चुअली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं डिजिटल करेंसी क्या है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल बिटकॉइन हो गया डॉग कॉइन हो गया रिपल हो गया है कि नहीं जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं तो दीज आर द एग्जाम्पल्स डिजिटल करेंसी ठीक है सेंट्रल बैंक अक्रॉस दी वर्ल्ड अब क्या बोला गया है इन दिस कंटेक्स एग्ज़माइन माइन द इम्प्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया एग्ज़माइन द इम्प्लीकेशन एग्ज़माइन माइंड क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि अगर जैसे नॉर्मल क्वेश्चन अगर हम देखें तो वॉट वेर वेन सिंपल क्वेश्चन हम देखें तो यह क्वेश्चन आपको स्टार्ट अगर हम करेंसी के डिजिटल करेंसी के बारे में ही बात करें तो डिजिटल करेंसी वॉटर्स डिजिटल करेंसी कब से स्टार्ट हुई वेयर फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुई डिजिटल करेंसी कब लॉन्च हुई कब इंट्रोड्यूस हुई दो हजार नौ में देन क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया ट्रेडिंग वर्क के लिए परचेज एंड सेल इन्वेस्टमेंट के लिए टू अर्न प्रॉफिट देन हाउ अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसे इसे इशू करेंगे हमारी कंट्री में अगर हम ये क्वेश्चन को लेके करें तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं एंड अगर हम देखें यह क्वेश्चन है वाई क्वेश्चन यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया है क्यों पूछा गया इन दी सेंस अगर हम देखें कि हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यह डिसाइड किया है टू किक ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट्स एंड टू असेस असिज दिएबिलिटी ऑफ द डिजिटल करेंसी किसको हेल्प करने के लिए बेसिकली टू मेक द होलसेलर एंड द रिटेलर्स पेमेंट इसके लिए वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सी बी डी सी दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी द मेन क्वेश्चन इज क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि वॉट इज सी बी डी टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक्स माइंड द इंप्लीकेशन एक्स बेसिकली क्या हो गया गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इंस्पेक्ट द क्वेश्चन ठीक है वेन वी हम हमें क्वेश्चन जब मेन हमें अगर कंटेंट पता चल गया है कि हाँ क्वेश्चन इज आग अबाउट सी बी डी सी हमें कंटेंट पता चल गया है उसके बाद हमें टॉपिक में घुसना है कि अच्छा इस पर इंस्पेक्शन करना है इन्वेस्टिगेट करना है मेन मेन पॉइंट निकालना है कि वॉट आर द नीड फॉर दिस सी बी डी टी सी बी डी सी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसकी नीड क्या है इसकी एक इंप्लीकेशंस क्या है इसकी लिमिटेशन क्या है

या इंस्पेक्ट करना अबाउट द कंटेंट आपने आपको दे दिया गया है सी बी डी सी कि एक्चुअली डिजिटल करेंसीज क्या है अब हमारे इंडिया में ये सारी चीजें अब अडॉप्ट होगी धीरे धीरे उसके क्या एडवांटेजेस हैं उसके क्या डिसएडवांटेजेस है ठीक है तो ये सारी चीजें है ये क्वेश्चन दे दिया गया है आपको मेन चीज पता लग गई है कि क्वेश्चन इज आड अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया व्हाट इज डिजिटल करेंसी कब हुई थी क्यों हुई थी किस लिए हुई थी उसे क्यों स्टार्ट करना है क्वेश्चन अगर दे दिया जाएगा कि सेंट्रल बैंक अक्रॉस दी वर्ल्ड हैव इंक्रीज अटेंशन टू डिजिटल करेंसी डिस्कस अगर डिस्कस दे दिया जाएगा तो इन ब्रीफ आपको डिस्कस करना है है ना देन अगर आपको इलेबोरेट इलेबोरेट मतलब इन डिटेल्स आपको कंटेंट में जाना है कंटेंट में घुस के देखना है कि इन डिटेल क्या क्या इसके नीड्स हैं क्या इनसे इंप्लीकेशन है क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है क्या कंसर्न है ये सारी चीजें देन एनालाइज अगेन घुस के इन डिटेल तो ये सारी चीजें अगर क्वेश्चन इल्यूसिडेट मेक अ फुल क्लियरेंस एंड एक्सप्लेन द द्वेश्चन तो ये सारी चीजें भी आपको पूछे जा सकते हैं या इन दिस कंटेंट इलेबरेट द इंप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया या फिर के बदले आपको एनालाइज दे दिया जाएगा या इल्यूसिडेट दिया जाएगा तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ओके okay? अब हमें लिखना कैसे है आंसर को दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ दी आंसर हम कुछ भी अगर देखते हैं अगर हमें ऐसे राइटिंग लिखना होता है या कुछ भी लिखना तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेंट्रल बैंक सीबीडीसी क्या है हम जानते हैं सीबीडीसी क्या है? ये एक है या फिर नेशनल डिजिटल करेंसी है, है कि नहीं इसका मेन अप्रोच क्या है क्यों इंडिया में लाया जाए क्यू इंडिया में लाया जाए बेसिकली ट्रेडिंग वर्क करने के लिए परचेज एंड सेल करने के लिए बिटकॉइंस को हम परचेस कर सकते हैं सेल कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट टू अर्न प्रॉफिट तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको दो से तीन लाइन लिखना है पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है आपने बस लंबा चौड़ा ब्रीफ आंसर एक नहीं लिखना है कि पैराग्राफ वाइज लिख दिया तो बस हमें मार्क्स मिल जाएंगे नहीं पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर लिखना है इंट्रोडक्शन पार्ट में व्हाट इज सीबीडीसी ओके okay, आरबीआई का क्या रोल है इसमें क्यों इसे इश्यू करना चाहती है ये ये दो से तीन लाइन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में हो जाएगा देन मेन चीज क्या है कि बॉडी में हम क्या लिखे हमें कंटेंट मिल गया है सीबीडीसी अब उसके बॉडी में क्या लिखना है कि व्हाट इज द नीड नीड ऑफ सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नीड क्या है हमारे इंडिया में CBDC, जिसको हम बोलते हैं इट इज नथिंग बट अ डिजिटल वर्जन ऑफ फैट मनी ये एक डिजिटल करेंसी है नथिंग बट अ डिजिटल करेंसी ऑफ फैट मनी जिसको हम बोलते हैं है, है कि नहीं उसके बाद बॉडी में हम डिस्कस कर सकते हैं डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस द प्रोज क्या एडवांटेजेस है ऑफ सीबीडीसी इन अ कंट्री उससे क्या एडवांटेजेस जैसे कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है बिटकॉइन क्या है क्रिप्टो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी है उसे हम परचेज एंड सेल कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ अ डिजिटल वॉलेट ये फिजिकल पेपर नहीं है फिजिकल करेंसी नहीं है जिसको हम छू सकते हैं जिसको हम पॉकेट में रख सकते हैं नहीं ये हमारे डिजिटल वॉलेट में सेव होता है इसका ये भी डर है कि आजकल अगर अगर ये चीज़ यूज हो तो बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं चीट हुआ चीट uh, हो जाता है साइबर क्राइम हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी भी निकाला गया है दैट इज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी विद दी हेल्प ऑफ लेजर्स लेजर्स जितने भी सारे जो पर्सन इन्वॉल्व हैं अंडर दिस डिजिटल करेंसी डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास ये लेजर मेंटेन रहता है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं अंडर दिस लेजर बुक जिसको हम प्योर टू प्यर पर्सन टू पर्सन बुक बोलते हैं लेजर बुक लेजर बुक मेंटेन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी तो ये सारी चीजें आपको देनी है कि उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है भले हम जानते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं तो फ्रॉड से बचने के लिए ये सारी चीजें ये टेक्नोलॉजीज अपनाया गया है एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी अगर इसमें एडवांटेजेस है हम परचेज एंड सेल करते हैं भले हम बोलते हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मेथड है इट इज नॉट अंडर देंट्रलाइज अथॉरिटी अगर हमें उसका कुछ फायदा होता है तो हम ही एडवांटेज लेते हैं अगर हमें उसका लॉस होता है तो उसका अभी लॉस भी कौन झेलेगा हम ही हम गवर्नमेंट के पास कंप्लेन लेके नहीं जाते नहीं जा सकते कि हमारा इतना फ्रॉड हो गया ये चोरी हो गया या साइबर क्राइम हो गया क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ओके okay, तो बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं नीड नीड लिख सकते हैं देन सीबी सीबीडीसी क्या है जिसको हम बोलते हैं फैट करेंसी डिस्कस कर सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वेबिलिटी ऑफ सीबीडीसी कंसर्न्स हम जानते हैं कंसर्न्स क्या है कि अराउंड 90% परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्या है एक डिजिटली इलिटरेट पीपल है जिसको पता नहीं है कि डिजिटली हम कैसे डील करें तो सबसे पहले क्या करना है गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना है ये हमारा बॉडी हो गया एंड कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे वेरियस डिसीजन जो लिया जाएगा द क्रूशियल डिसीजन क्रूशियल डिसीजन जो लिए जाएंगे अबाउट सीबीडीसी क्या क्या डिसीजन लिया जाएगा देन हाउ इट कैन बी इश्यू इशू हम कैसे करेंगे इसे इन in इंडिया में इसके क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है एंड थर्ड गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स रहेगा गवर्नमेंट का क्या नेसेसरी स्टेप्स रहेंगे टू सेव गार्ड बिफोर रोलिंग आउट प्लान तो ये क्या हो गया हमारा कंक्लूजन तो आपने क्या करना है एक लेंदी आंसर नहीं लिखना है पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपने लिखना है then second we can say facts and figures ओके स्टेप वाइज आपने आंसर लिखना है इंट्रोडक्शन पार्ट में तीन चार लाइन लिख दिया देन बॉडी में आपके उसके नीड्स क्या है उसके एडवांटेजेस उसका डिसएडवांटेज लिमिटेशंस उसकी इंप्लीकेशन क्या है देन कंक्लूजन में क्या डिसीजंस लिया जाएगा आगे चल के फ्यूचर में इसके साथ क्या अच्छा होना है गवर्नमेंट के क्या मेन स्टेप्स हैं तो ओवरऑल इस हिसाब से आपने आंसर लिखना है अगर 10 मार्क्स का हो 150 वर्ड्स में हो अगर आप वन आंसर बहुत ज्यादा लिखोगे तो 150 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा एंड जो एग्जामिनर जो आपका आंसर चेक कर रहा है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर लिखने का वो भी आपने ध्यान रखना है तो आपको बस पॉइंट वाइज आंसर लिखना है फैक्ट्स फिगर्स लिखना है उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है ओके okay? तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है इन नेक्स्ट सेशन हम फिर से डिस्कस करेंगे हम आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने आंसर्स को लिखना है इन योर एग्जामिनेशन फॉर फेज टू ओके तो अगर आपने कुछ भी प्रॉब्लम है कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी आप कमेंट करके पूछिए मैं आपको आंसर दूंगी ओके okay? सो so, तब तक तो के लिए थैंक यू एवरीवन हैव अ ग्रेट डे अहेड